अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ टेस्ट पाकिस्तान की जन्म से आपकी होस्ट सुबह। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वेनेस कैफ़े के बाहर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा स्पेशल मछली और हलवा जात होते हैं, इसी तरह ही आज का मौसम बहुत अच्छा है, उसकी वजह से यहाँ पे कॉफ़ी और ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा इन है। जी तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ वेनेस कैफ़े में और मैं इस टाइम बात करना चाहूँगी यहाँ के जो मैनेजमेंट करते हैं मैनेजर से। तो आइए इनसे पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि इसका नेम वेनेस क्यों रखा गया? ये देखें, बेसिकली ना स्वीडन का ब्रांड है, ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। इसकी पाकिस्तान में वेन्स गुलबर्ग 3 मॉल 1 के पास फर्स्ट ब्रांच है। इसके अलावा इसकी मज़ीद जो है ना ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। बेसिकली ये है कॉफ़ी शॉप, लेकिन इसके साथ साथ हम फूड भी सर्व कर रहे हैं। फूड में क्या क्या? फूड में आपको चाइनीज़ मिल जाएगा, थाई मिल जाएगा, इसके अलावा कॉन्टीनेंटल मिल जाएगा। इसके अलावा कॉफ़ीज़ में हमारे पास बेशुमार वैरायटीज़ हैं जो कि 35+ आइटम्स हैं। इसके अलावा डिज़र्ट्स मेन्यू भी हमारे पास है और फूड इसका अमेजिंग है, आउट क्लास का है। अगर मैं ये कहूँ ना कि इफ़ यू हैव टू ट्राई बेस्ट फूड इन द टाउन सो यू कैन विज़िट वेन्स कॉफ़ी एंड फूड। ये हमारी जो है सबसे, मैं खुद से भी ये चीज़ फील करता हूँ। और आप हमारे अच्छा, तो आपके ये पाकिस्तान मतलब लाहौर में फ़र्स्ट ब्रांच है? जी ये पहले पाकिस्तान में जो लाहौर में इसकी पहली ब्रांच है। इसकी मज़ीद अभी जो है ना ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको इसकी पाकिस्तान में मज़ीद 3 से 4 जो है ना ब्रांचेस आपको नज़र आएंगी। इस टाइम मौजूद हूँ वेनेस कैफ़े के किचन में। यहाँ पे बहुत मज़े की रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो रही हैं। आइए हम यहाँ पे पूछते हैं इनके शेफ़ के बारे में कि उनकी क्या मालूमात है और वो इस टाइम क्या जो है वो बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आप? मोहम्मद रेहान। अच्छा मोहम्मद रेहान, आप इस टाइम क्या बना रहे हैं? मैं स्टफ़ मशरूम स्टफ़ चिकन बना रहा हूँ। स्टफ़ चिकन बना रहे हैं, इसके लिए आपको इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें हम चिकन का ब्रेस्ट लेते हैं, उससे पहले हम इसका जो चीज़ होती है उसका मुआद बनाते हैं। मुआद जो होता है उसमें स्पेनिश इस्तेमाल होती है यानी कि पालक, और उसके अलावा उसमें टेस्ट डालते हैं एलापिनो और मशरूम डाल के, और उसका टेस्ट होता है जो हम प्रॉपर डालते हैं। जहाज शेफ़ की रेसिपी जो आज आपने शेफ़ कोर्स किया हुआ है? जी मैंने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो क्या है? वो गैमल फ्रॉम चिकन है और हमारा जो है वो स्पेनिश ये जो जा रहा है अभी ऑर्डर ये है। आप इस टाइम क्या बना रहे हैं? मैं इधर इस टाइम वेजिटेबल बनाई है। वेजिटेबल, ठीक है। आप वेजिटेबल में क्या बना रहे हैं इस टाइम? चाइनीज़ है कोई क्या? इसमें ज़ुकीनी है, फ्रेश बीन्स हैं और कैरेट है, और इसमें स्वीट कॉर्न भी डालें, बेबी कॉर्न भी डालें, पाइनएप्पल भी। नुमान, आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे आई थिंक 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, और मुझे इसका शौक़ था तो इस वजह से मैंने फील्ड चुनी कि देखता था कि लोग क्या बना रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मुझे इस चीज़ का शौक़ था तो उस शौक़ ने मुझे इस फील्ड में पक्का जोड़ लिया अपने साथ। तो बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉफ़ी एक्सपर्टीज़ हूँ। मैं तो कॉफ़ी में कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, क्या होता है? कॉफ़ी के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। इसमें कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड फ्लेवर्ड बहुत से होते हैं। इसमें आपको स्पेशलिटी हमारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, जैसे स्पेनिश हो गई, इसके अलावा मोका हो गई, कैरमल हो गई, वनीला हो गई। ये हमारी कॉफ़ी की स्पेशलिटीज़ होती हैं। आपको ट्रिक्स भी हैं कॉफ़ी बनाने की? जी मुझे इसमें बहुत से, मैं इसमें कॉफ़ी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। उस पर मैं आर्ट, लाटे आर्ट पर बहुत अपनी गिफ्ट मेरी अच्छी है, मैं उस पर बहुत से आर्ट पेश कर सकता हूँ। मैं कस्टमर डिमांड पर मैं आर्ट्स रेडी करता हूँ। मुझे दिखा सकते हैं? जी मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। जी तो आप हमें ये दिखाएंगे अपने कॉफ़ी आर्ट्स। जी आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आर्ट किया उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वेनेस कैफ़े। जैसे कि मैंने अभी आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताई थी। मैंने जो यहाँ पे डिशेज़ यहाँ पे जो इनका बहुत ज़्यादा स्पेशल था वो ऑर्डर किया है। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ और आपको इसके बारे में रिव्यूज़ देती हूँ। इनका गुल्फ चिकन, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही यम्मी है। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ इनका स्टफ़ चिकन। आइए आप भी करें। ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा का है, बहुत डिलीशियस है। अब हम इनका टेस्ट करते हैं पिज़्ज़ा। पाव आला यम्मी, ये था इसका सारा फूड और इसका टेस्ट बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं इसके बाद कॉफ़ी भी ट्राई करूँगी, लेकिन इससे मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मुझे इसके साथ दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।